चैनल और भाई अपन खड़े हैं यार अभी अंकित भैया के घर पे। और भाई आज करने वाले अपन डोमिनार का ब्रेक शू चेंज, भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है। भाई ये कुछ रखे हैं अपने ब्रेक शूज़ वगैरह अपने बजाज के, इसके डोमिनार के लिए, क्योंकि इसके भाई पीछे वाले जो ब्रेक शू हैं टोटली जा चुके हैं और आगे के भी गए हुए हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम में चेंज होंगे वैसे अभी। ठीक है, तो चलो करते हैं चेंज और मिलते हैं वीडियो में। ऑल दो गाइस, तो अपन यहाँ पर कर रहे हैं अभी पहले डोमिनार के जो पुराने ब्रेक शू हैं उसको रिमूव। तो भाई उसके लिए यार थोड़ा जो इसके बोल्ट्स वगैरह हैं, नट्स वगैरह हैं, पहले उनको बढ़िया से खोल खाल के अपन साफ करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। तो भाई एक बार निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलते हैं आगे वीडियो में और आपको दिखाते हैं पुराने ब्रेक शू क्या कंडीशन थे अभी तक। तो पुराने ब्रेक शू की हालत अपने थोड़े बहुत जिंदा है लेकिन ज़्यादा नहीं, और भाई टोटली ये समझ लो गए थे, ज़्यादा कुछ नहीं, मुश्किल से 200-300 और चलते, इससे ज़्यादा नहीं। और भाई ये अपने नए ब्रेक शू एकदम चमचमाते हुए देख सकते हो। अब करने वाले अपन इसको इसमें इंस्टॉल, तो चलो आगे। हाँ तो भाई अब हो रहा है अपने नए वाले ब्रेक शू गाड़ी में अपने इंस्टॉल। तो भाई उसके भाई लिटरली बता रहा हूँ, तो पुराने वाले ब्रेक शू ना उसकी हालत टोटली जा चुकी थी। मैं ऐसे बातों बातों में बोला 300 किलोमीटर चलेंगे, लेकिन बिल्कुल के नहीं थे वो ज़्यादा जिंदा। तो भाई अब कर रहे हैं नए वाले ब्रेक शू अपन इंस्टॉल। तो भाई देख चलो काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड है, अपन वीडियो को आगे निकालते हैं और दिखाते हैं आपको क्या कैसी प्रोसेस रहती है ना। चलो तो चलो, यहाँ एकदम तेल लगाया जा रहा है फुल, यहाँ ग्रीसिंग हो रही है ताकि अच्छे से चला जाए अंदर बिना किसी दिक्कत के। एकदम फुल मल मल के भाई तेल लगाया जा रहा है, ग्रीस करा जा रहा है, और फिर अपन इस छेद में डालेंगे अपन, है ना। चलो तो भाई पहले काम कंप्लीट करें, उसके बाद आगे ही बात करेंगे। पीछे का चेंज हो गया, अब जाते हैं अपन आगे। पीछे का 250, हाँ 400, आगे का 400, पीछे का 250। भाई पहले कॉस्टिंग का, हाँ सबसे मेन चीज़। और ये है ना जो ये है अपने ओरिजिनल बजाज के, तो आप भाई ये मैं सोच रहा हूँ कॉपी मॉपी है किस चीज़ का, ओरिजिनल चीज़ डाली अपन भाई, जो चीज़ें सब ओरिजिनल है, कोई कॉपी नहीं है, है ना। ठीक है, तो चलो भाई पीछे का चेंज कर दिया, अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या है देखते हैं अब, है ना, इस साइड। ऑल दो गाइस, तो फाइनली अपन अब कर रहे हैं अपन आगे वाले ब्रेक शू चेंज। हमने सोचा यार हैं भी अपने पास ब्रेक शू, और भाई क्यों बात के चक्कर में लगे रहो, तो भाई कर ही देते हैं। और भाई जैसा हमने खोला था ना ब्रेक शू इनके, यार एक साइड का ब्रेक शू समझ लो भाई पूरा चला गया था, एक साइड का बचा हुआ था, लेकिन भाई चेंज होता है पैर में ही ब्रेक शू, तो हमने कहा चलो इसको भी कर ही दिया जाए लगे हाथ। तो भाई इस लेकिन भाई आगे वाले उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गई थी, क्योंकि यार पूरा मतलब जो अपने ब्रेक शूज रहते हैं वो ऐसे निकल नहीं रहे थे, पूरा कैपुलर निकाला था हमने उसके लिए, तो पूरा खोला भाई, उसके बाद फिटिंग विटिंग करी, तो भाई उसमें काफ़ी सारा टाइम लग गया था। और भाई इतनी लंबी वीडियो डालेंगे तो भाई आप भी बोलोगे यार इतनी लंबी वीडियो डाल रहे हो भाई। ठीक है, तो भाई इसी के लिए हम वीडियो करते हैं और फास्ट फॉरवर्ड, और भाई चलते सीधे वीडियो को एंड में इसी के साथ, और जब अपन अपने डोमिनार का कंप्लीट काम हो जाएगा तो मज़ा आने वाला है ना। तो चलो इसी के साथ आगे शू। ऑल दो भाई, तो अपन ने कर दिए हैं अपने डोमिनार के भाई अपने ब्रेक शू दोनों चेंज, और भाई जैसे ही यार अपने हेजार्ड ऑन करो भाई, मतलब देखो तो यार क्या ही बोले कि बजाज के डोमिनार क्या ही लुक्स दे रही है भाई। तो भाई चलो एक टेस्ट राइड लेंगे, उसके बाद मिलता है आपको टेस्ट राइड के बाद, चलो है ना गाइस। हे गाइस, तो भाई फाइनली अपन ने यार कर ली है अपने डोमिनार के ब्रेक शू वगैरह सब चेंज, तो भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मज़ा आया, काफ़ी प्यारी सी वीडियो बनी है, और भाई धमाकेदार तरीके से भाई वीडियो एक या दो दिन में अपलोड कर देंगे अपन, तो भाई वेट फॉर इट। और उसी के बाद मतलब वेट फॉर इट का जब वीडियो आएगी तभी तो हमारी शक्ल आगे सामने आएगी, वेट फॉर इट नहीं, मतलब बस आने वाली है वीडियो एक तरीके से। और भाई और शानदार वीडियो भी आएंगी बहुत सारी, काफ़ी गाड़ियों के अपन रिव्यू वगैरह भी करने वाले हैं अभी, जैसे सपोज़ मॉडिफिकेशन सीरीज़ में आने वाली बहुत सी गाड़ियों के ऊपर, और मज़ा आएगा भाई लिटरली बता रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके ज़रूर से रख लेना। और हाँ भाई, काफ़ी टाइम से अपन ऑफलाइन भी थे तो हो सकता है नोटिफिकेशन ना आए, तो एक बार आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर ही देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है, और भाई वीडियो अगर पसंद आए तो यू मस्ट हैव टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और भाई काफ़ी बड़ा अच्छा लगा यार, इतने टाइम बाद अपन ने अप्रोक्स 3 महीने बाद वीडियो डाली, तब भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, जो भी अपने पुराने भाई लोग थे यार बड़ा अच्छा लगा आपके कमेंट्स वगैरह देख के, तो भाई दिल से शुक्रिया जो भी भाई पहले के लोग अभी तक बने हुए हैं, थैंक्स अ लॉट ब्रो।
और भाई ऐसे आप लोगों के लिए वीडियो आते रहेंगे, तो यार बने रहना और लोगों से सब्सक्राइब भी करवाते रहना। चलो ठीक है गाइस, तो मिलता है अगली वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।